आपने तेल की ऐसी लूट कभी देखी है? कोई डब्बे में भरकर ले जा रहा है तो कोई बर्तन में। जिसके हाथ जो आया उसने उसी में तेल को भर लिया और चलते बना। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। दरअसल नालंदा के पचासा गांव में NH-20 के किनारे तेल से भरी एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद तो मानो होड़ सी मच गई तेल लूटने की। उधर तेल के टैंकर को चला रहा चालक और उपचालक दोनों इस हादसे में जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में जख्मी चालक ने बताया कि बंगाल से टैंकर में तेल भरकर पटना की ओर जा रहा था, तभी पचासा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट गई। क्या हुआ? बंगाल से लेकर आ रहे थे भैया। जा रहे थे कहाँ? पटना। क्या था इसमें? राइस रिफाइन। तो फिर क्या हुआ? गाड़ी चाप दिया सुबह में, टेलर ने चापा था। हम सोचे थोड़ा बाएं काटेगा, ताले उतर गया नीचे टायर। तो इसके अंदर क्या था? इसके अंदर था क्या? तेल है। तेल है। तेल तो पूरा बह गया? नहीं, तेल है, बाहर नहीं है अभी, माल है। आधा तो बह गया होगा ना? आधा से कुछ कम बह होगा, आधा नहीं बह होगा। वहीं जब टैंकर पलटा तो उसमें भरा तेल गिरने लगा। टैंकर से गिरते तेल को देख वहां पर मौजूद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई और लोग तेल लूटने लगे। उधर तेल लूटने की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तेल लूट रहे लोगों को भगा दिया। वहीं टैंकर से तेल गिरने के बाद आसपास के खेतों में यह पूरी तरह से फैल गया, जिससे उसमें लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद होने की आशंका से किसान परेशान हो गए हैं। ऋषिकेश, नालंदा।